हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अशंक बंसल और मैं कंसल्टेंट वैस्कुलर सर्जन हूँ। तो वैस्कुलर सर्जन कौन होते हैं, वो क्या काम करते हैं, तो ये वीडियो में हम आपके ये सवाल आंसर करेंगे। वैस्कुलर सर्जन वो डॉक्टर्स होते हैं जो खून की नसों का ट्रीटमेंट करते हैं। ये खून की नसें वो नसें हार्ट के अलावा नसों का वो ट्रीटमेंट करते हैं। बट कौन सी बीमारियों को वो ट्रीट करते हैं, इसमें कॉमनली सबसे कॉमनेस्ट हम वैरिकोज वेन्स को ट्रीट करते हैं, जिसमें पैर की नसों में बड़ी बड़ी नसें डेवलप हो जाती हैं या पैर काला पड़ जाता है, उसका हम लेजर ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा, पैर में गैंग्रीन जिसमें या फिर पैर में नॉन हीलिंग वुंड्स जो जल्दी भरते नहीं, उनका हम एंजियोप्लास्टी करते हैं। तीसरा, किडनी पेशेंट्स जिनमें फिस्टुला की जरूरत है, उनमें हम फिस्टुला के एंजियोप्लास्टीज या फिर पर्म कैथेटर जिनसे हम डायलिसिस कर सकते हैं, ऐसे भी प्रोसीजर्स हम करते हैं। चौथा, एंजियोप्लास्टीज, कोई भी शरीर में कहीं पे भी ब्लॉकेज हो हार्ट के अलावा, वहां पे जाके हम एंजियोप्लास्टी मतलब बलून या फिर स्टेंट जाके डिप्लॉय कर सकते हैं, ताकि वो नस ओपन हो जाए और खून का सर्कुलेशन चालू हो जाए। पांचवा, एम्बोलाइजेशन, अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, जो ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, तो हम जाके वो नसों को भी ट्रीट कर सकते हैं, जिसको हम एम्बोलाइजेशन बोलते हैं। एंडोवैस्कुलर सर्जरी मतलब ऐसी ब्रांच जिसमें हम सब एंडोवैस्कुलर मतलब छोटी सी सुई से करते हैं, मतलब इसमें कोई भी टाका नहीं है, कोई भी सूचर नहीं है, और पेशेंट उस दिन से या अगले ही दिन से अपने सब रूटीन काम कर सकते हैं। तो आपको अगर इनमें से कोई भी बीमारी है तो अपने नजदीकी वैस्कुलर सर्जन को मिलिए। वैस्कुलर सर्जन का एडवांटेज है कि वो खुद अपना कलर डॉप्लर अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, मतलब आपको दो जगहों पे जाने की जरूरत नहीं है, वो आपका खुद सोनोग्राफी करके देखेंगे और आपको जो बीमारी है उस टाइम के आपको बता देंगे और उसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है, या आपको दवाइयों से होगा या आपको उसका कुछ इलाज लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको और जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट www.vascularcenter.in पे विजिट कीजिए। थैंक यू।